नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से अपन CSIR नेट के न्यू बैचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि अपनी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो एक बार अपन PPT के माध्यम से समझ लेते हैं कि अपनी स्टेप क्या रहेगी, फिर अपन जनरल चर्चा प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जो आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करेंगे स्टूडेंट, उसमें CSIR नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपके गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, साथ ही साथ TIFR के एग्जाम की प्रिपरेशन होगी और JEST के एग्जाम की भी प्रिपरेशन होगी। तो ये चारों एग्जाम की प्रिपरेशन CSIR नेट की प्रिपरेशन के साथ ही होगी। और आज अपन इस क्लास में ये भी चर्चा करेंगे कि अगर अपन MSc के स्टूडेंट हैं तो ये क्यों जरूरी हो जाता है कि अपने को कम से कम एक बार CSIR नेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। केवल नेट क्वालिफाई GRF क्वालिफाई करने के लिए नहीं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, ये तो आप प्रिपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है एक एम है ही सही आपका, बट उसके साथ सबसे बड़ा जो आपका गोल है कि आप सब्जेक्ट की बारीकियों को सीखे, सब्जेक्ट को एक बार डिटेल में एनालिसिस करने का आपको मौका मिले। आजकल बच्चे जो ये एम है इसको भूलकर केवल नेट GRF क्वालिफाई करना है और उस सब्जेक्ट में पकड़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो अपनी जो ये बैच होगा, ये क्लास होगी, इसमें अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे इसे, बिल्कुल उसमें तो कोई दोराय नहीं है, क्योंकि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट साथ ही साथ अपन अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे। जो फिजिक्स की आपको एक्चुअल डेप्थ में सीखने की और भी अपन आगे बढ़ेंगे, तो उस पर भी अपने को वर्क करना है कि न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो CSIR नेट की प्रिपरेशन करने से एक बेनिफिट तो आपका यह होगा कि सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत हो, और जाहिर सी बात है जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रोंग है तो किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो परिणाम एक ही आता है, सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये अपने प्रिपरेशन का मोड रहने वाला है कि चारों एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन होगी। सर और कौन कौन से एग्जाम की, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने PhD एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं तो उनकी भी प्रिपरेशन साथ के साथ ही होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे साइंटिफिक ऑफिसर इनकी पोस्ट निकलती हैं तो वहां पे भी आपके लिए ये जो आपकी प्रिपरेशन है वो यूजफुल होती है। और जैसे बहुत सी बार रहता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी पढ़ाई के दौरान सतत चलती रहती है। आप जब से फिजिक्स पढ़ना प्रारंभ किए हैं वहीं से अगर आप सही तरीके से फिजिक्स को लर्न कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को एक सिस्टमेटिक ढंग से समझ रहे हैं, केवल आपका ये नहीं है कि मुझे कैसे भी करके न्यूमेरिकल करना है, मुझे कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपको दिक्कतें आती हैं कि एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया। और आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं बट इंटरव्यू बहुत कम बच्चे क्रैक कर पाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि न्यूमेरिकल अप्रोच तो बहुत बच्चों की सही है बट जो आपकी फिजिक्स की थ्योरेटिकल अप्रोच हुई, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हुई, वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो CSIR नेट के इस कोर्स में अपन न्यूमेरिकल अप्रोच पे भी उतना ही वर्क करेंगे जितना अपन कॉन्सेप्चुअल वर्क पे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे अपन वर्क करें। ठीक है, तो ये अपनी टीम रहने वाली है, पूरी टीम है, ये अपने डायरेक्टर सर हैं, बाकी डॉक्टर KK शर्मा सर, डॉक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ सर और मैं, हम तीनों मिलके पढ़ाते हैं फिजिक्स। ठीक है, और अपन करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि सबसे पहले जब भी अपन किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि CSIR नेट की अपन प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके माइंड में आता है कि आखिरकार अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होने चाहिए कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो कल से कहां कहां पे आप इनके
बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो सब लोगों का ड्रीम होता है यूपीएससी, तो यूपीएससी में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और आपने बहुत से टॉपर्स को देखा है जिनमें उन्होंने अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं वो उन्होंने साइंस के सब्जेक्ट लिए हैं और इवन फर्स्ट रैंक तक लेके आए हैं। तो साइंस के सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस होता है, बट होता क्या है कि जब आप साइंस के सब्जेक्ट को अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही साइड लाइन कर देते हैं, सेकेंड जॉब मान लेते हैं, तो स्वतः ही आपका सब्जेक्ट भी वीक होने लग जाता है। बट आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन को अच्छे से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में आपको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अपने काफी सारे स्टूडेंट जो वर्तमान समय में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है वो फिजिक्स ही लिया है। तो अपन साइंस के स्टूडेंट अपन एमएससी कर रहे हैं, फिजिक्स से ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपना सब्जेक्ट ही चूज करना चाहिए। आप चाहें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो होनार होते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को अच्छी जगह से करते हैं या PhD को बहुत अच्छी जगह से करते हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी उनके लिए गेटवे एक तरीके से ओपन हो जाता है। वहां पे जाके भी अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हुई, वहां पे रिसर्च का काफी अच्छा माहौल है। आप लोग और भी जैसे अमेरिका हुआ, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, आप जापान जा सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स गए भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एज ए साइंटिफिक ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। जितने भी अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इनमें एज ए साइंटिफिक ऑफिसर आप वर्क कर सकते हैं। वो भी आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, आप BRC में साइंटिस्ट बन सकते हैं। और जितने भी यूनिवर्सिटीज हुई, जितनी भी IITs हुई, NITs हुई, जहां इन सब इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो इन सभी इंस्टीट्यूट में जाहिर सी बात है फिजिक्स डिपार्टमेंट तो होता ही है। और जब फिजिक्स डिपार्टमेंट होता है तो वहां पे फिजिक्स के लिए पोस्ट भी, वैकेंसी भी क्रिएट होगी। तो देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, IITs, रिसर्च सेंटर, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटीज अपन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो वहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप वर्क कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट भी निकलती हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ये होता है जिस भी स्टेट के आप हैं तो वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और वो टाइम टाइम पे स्कूल लेक्चरर की पोस्ट भी निकालते रहता है। और अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे KVS हुआ, NVS हुआ, EMRS हुआ, जो PGT एग्जाम है, तो वहाँ पे भी, तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है। आप चाहें तो PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं गवर्नमेंट की, इनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। इनमें फिजिक्स के फील्ड से ही वैकेंसी निकलती हैं, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरीज में हमेशा पोस्ट निकलती हैं फिजिक्स की, तो उनके एडवर्टाइजमेंट जारी होते हैं, आप लोग उनके भी जो एग्जाम होते हैं उनको दे सकते हैं, इंटरव्यूज होते हैं उनको, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज भी होती है। ठीक है, और ये कुछ इंस्टीट्यूट और हैं जिनमें भी आप वर्क कर सकते हैं। और अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड है तो जाहिर सी बात है टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन, बट आप लोगों को अगर रिसर्च में जाना है तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देश में ही रह के PhD भी कर सकते हैं। अपने देश में IIT जो रिसर्च सेंटर हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर हैं, उनके थ्रू आप अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अपन एक बार CSIR नेट के सिस्टम की बात करें तो जो CSIR नेट का एग्जाम होता है इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 3 पार्ट में आते हैं। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। जो आपका पार्ट ए होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है। अगर बात करें अपन नेक्स्ट स्लाइड की, तो जो पार्ट ए होता है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को जनरल एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
और कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको इनमें से 15 अटेम्प्ट करने होते, तो आपके 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो होता है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 3.5 मार्क्स का होता है, तो जो सेक्शन बी होता है आपका या पार्ट बी जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। पार्ट ए की बात करें तो 30 मार्क्स का होता है, पार्ट बी की बात करें तो 70 मार्क्स का होता है, और दोनों पार्ट मिलके 100 मार्क्स कवर करते हैं। जो आपका पार्ट बी है इसमें फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर अपन पार्ट सी की बात करें तो वहां पे एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका लेवल भी अच्छा होता है, उनके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो पार्ट सी की बात करें तो इसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 30 पूछे जाते हैं, आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट जो होता है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, तो जो पेपर होता है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा आता है। आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 75 आते हैं और आपको केवल 55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 200 मार्क्स का ही आपको अटेम्प्ट करना होता है पेपर, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है सीएसआईआर नेट के एग्जाम में ये, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उठाया है। वो क्या करते हैं कि 4 से 5 को तो बढ़िया तरीके से पढ़ा देता है, और की तो मैं नहीं कहता, बट जयपुर के अगर इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, पर ये सच्चाई है कि 4 से 5 पेपर को अच्छे से करा देते हैं, बाकी में अगर आम भाषा में कहे तो घास काट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको एक बार तो सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, क्यों, जिससे आपका सब्जेक्ट स्ट्रोंग हो। बट जब इस प्रकार की मानसिकता अपनाई जाती है तो इससे बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि वो ठीक है कि बच्चे का रिजल्ट हो जाता है, बच्चा खुश है, पर वास्तविकता यही है कि कुछ पार्ट्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाता है, कुछ पार्ट्स में दो दो तीन तीन दिन में पूरे के पूरे टॉपिक को कवर, पूरे की पूरी बुक कंप्लीट कर दी जाती है। तो अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जरूर है कि आप लोगों को पता होगा कि इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप एग्जाम के पर्पस से उन पोर्शन को स्ट्रोंग रखिए, अच्छी बात है, बट आप पूरा पढ़िए, जिससे इन फ्यूचर आपका सब्जेक्ट स्ट्रोंग हो, आप सब्जेक्ट में वर्क कर सके, ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, जो अपना एप्लीकेशन है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे सर्च कीजिएगा इंस्पायर ऑनलाइन बाई के सर, जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे बेंच में जाके देखेंगे तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डाले हुए हैं। मैंने वहां पे आपको ये भी बताया हुआ है कि कौन से पार्ट से भाई, जो कौन कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स से कितने मार्क्स, कितनी मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब 9 क्वेश्चन तक मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं मैथमेटिकल पार्ट से, और 35 to 40 मार्क्स तक वेटेज अकेला मैथमेटिकल फिजिक्स रखता है। क्लासिकल मैकेनिक्स भी लगभग इतना ही वेटेज रखती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी लगभग 30 से 40 नंबर की रेंज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बड़े बड़े पेपर्स हैं। तो आप लोगों के ये भी बेहतरीन होंगे, बट जैसे बात करते हैं अपन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, बात करते हैं अपन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की, बात करते हैं अपन जो आपके कंडेंस मटेरियल फिजिक्स है इसकी, तो ये टॉपिक्स भी आपके इतने ही स्ट्रोंग होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स।
बहुत ही प्यारा पेपर है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 9 सब्जेक्ट चलते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस सिस्टम रहने वाला है, बाकी पढ़ाएंगे कैसे, क्या सिस्टम है, उसके बारे में चर्चा कर लेते। तो एक बार में जो जो बुक्स आपके चलती हैं उनको लिख लेता हूँ, पढ़ाने का सिस्टम क्या रहेगा, आपकी जो क्लास ऑपरेट होगी वो किस वे में होगी, जो मोड रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑनलाइन मोड भी रहेगा साथ ही साथ ऑफलाइन मोड भी रहेगा, दोनों मोड में आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो चॉइस आपकी कोई से मोड में आप ले सकते हैं। सर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्या अपन लोगों से डिफरेंट करेंगे, उन सभी पॉइंट्स पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुक्स की बात करते हैं, तो आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स, सेकेंड थिंग अपन बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्ड अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बहुत ही प्यारा पेपर है, ठीक है। फोर्थ अपन बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, फिफ्थ अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, सिक्स्थ अपन बात करते हैं मटेरियल फिजिक्स जिसको आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं, सेवंथ अपन बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स, एंड स्टेटिस्टिकल अपन बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और नाइन्थ अपन बात करते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने, आपका सिस्टम रहने वाला है। सिलेबस का मैंने आपको पूरा का पूरा ऐप पे प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो आज से अपनी क्लासेज स्टार्ट होगी, एक तो मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट होगी और एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगी। मैथमेटिकल फिजिक्स है तो उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डॉक्टर लोकेश सर आपको पढ़ाएंगे। पर डे आपकी मिनिमम 3 आवर क्लास चलेगी, अभी शुरुआत है तो अभी 3 आवर रहेगी, बाद में टाइमिंग बढ़ जाएगी और ये टाइमिंग 7 to 11 AM रहेगी। आप मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी 7 पे और 11 तक चलेगी, तो 2 घंटा आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास होगी और 2 घंटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी, ठीक है। शुरुआत में अभी 2-5 दिन 3 आवर क्लास रहेगी, बाकी फिर इसको बढ़ा के अपन 4 आवर कर देंगे। सर सिस्टम क्या रहेगा पढ़ाने का, तो ध्यान से समझ लीजिए उसको भी। जो अपना सिस्टम रहने वाला है, प्रॉपर आपको क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे। सेकंड जो है, जैसे ही कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है उसका आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन होंगे सब अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिससे आपके एक जो टॉपिक है उसकी समझ बढ़े
साथ ही साथ लेवल भी आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी रहेंगे। तो प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट दिए जाएंगे, सभी बुक्स में सेम रहेगा असाइनमेंट का सिस्टम, जितने टॉपिक से उनके रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशियंट होंगे उससे ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपकी टॉपिक वाइज अभी से ही शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है लास्ट के 1 महीने बच्चे पी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ऐसा नहीं। शुरुआत से ही, लास्ट में तो आपके पेपर होंगे जो होंगे ही, पर शुरुआत से ही अपन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी, ठीक है। और हाथों हाथ जैसे आपका पेपर होगा, पेपर कंप्लीट होते आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है और आखिरकार आपका कैसे गलत हुआ। और जो यहाँ पे एनालिसिस होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से, आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम पे किया है, कौन से क्वेश्चन टफ थे, कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन से क्वेश्चन मीडियम थे, उन सभी चीजों का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही रहा है, आपकी एक्यूरेसी रेट कितनी है, इन सब चीजों के बारे में आपको एनालिसिस मिलेगा। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही शानदार है, और टेस्ट सीरीज के लेवल की बात करें तो बहुत ही शानदार लेवल की टेस्ट सीरीज चलती है अपनी, ठीक है। आप जब देंगे पेपर तो आप अनुभव करेंगे, और हर टेस्ट सीरीज में आपको कुछ नया करने की हमारी कोशिश रहती है, ऐसा ना हो कि जो पिछले साल है सेम टू सेम वही रिपीट कर दे। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर साल कुछ क्वेश्चन चेंज होने चाहिए ताकि आपको नई प्रॉब्लम सोल्व करने का मौका मिले, ठीक है। समय समय पे हम आपके बर्डन को देखते हुए डीपीपीज भी प्रोवाइड कराएंगे, और कुछ दिन में आपकी क्विज भी स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। आपके YouTube चैनल की कम्युनिटी में भी आप देख सकते हैं कि काफी क्विज वहां पे अपडेट की गई थी पिछले एग्जाम्स को रिलेटेड। अब न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो इस क्विज का प्रोग्राम फिर स्टार्ट कर देंगे, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे रैंडम टॉपिक्स का आपका एक तरीके से रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और इसका काफी बढ़िया रिस्पॉन्स अपने को मिला है, पिछली बार भी चलाई थी, और अब फिर से अपन इसको रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये अपना सिस्टम रहने वाला है। सर असाइनमेंट आपने दे दिया तो उसके डिस्कशन का तरीका क्या रहेगा? टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टॉपिक चल रहा है, जो जो टॉपिक कवर होते जाते हैं, जिस सीक्वेंस में हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो असाइनमेंट जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, आपने अपनी तरफ से कर लिया है, टॉपिक कंप्लीट होने के नेक्स्ट डे लाइव क्लास में ही जो जो आपके डाउट्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपसे आधे क्वेश्चन नहीं होते तो आधों को हम बताएंगे, पूरे भी नहीं होते हैं तो उसका एक सिस्टम है, उसका एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है कि ऐप पे आपका ग्रुप बना दिया जाएगा। जो इसका मैकेनिज्म है तो एप्लीकेशन पे क्या करा दिया, बना दिया जाएगा, आप सबका ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें व्हाट्सएप की तरह चैट की प्रॉपर सुविधा है। तो वहां पे आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं भी उसमें ऐड हूँ, डॉक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ सर भी ऐड है, डॉक्टर के शर्मा सर भी ऐड है। तो आपको जो आपसे हो जाते हैं ठीक नहीं होते हम बता देंगे, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से वहां पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी आपकी लाइव क्लास तो है ही सही, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सर टेस्ट सीरीज के आप डिटेल सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करा देंगे, क्या टेस्ट सीरीज के लिए भी अलग से क्लास में डिस्कस किया जाएगा? तो जैसे ही आपका टेस्ट पेपर होता है उसके नेक्स्ट डे अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आता है तो उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे लेकर आप निश्चिंत रहिए। और अपना सिस्टम क्या रहेगा कि अपन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से 3 दिन में ही करवा दी गई, सॉलिड स्टेट जिसे आप मटेरियल फिजिक्स के नाम से जानते हैं
उसको 4 दिन में ही करवा दिया गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर को 2 दिन में ही करा दिया गया। अपने यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, अपन जो उसका सिलेबस है, जो आपके सिलेबस है सीएसआईआर नेट का, उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अलग बात है कि आप एग्जाम के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं, वो चॉइस होगी आपकी, फाउंडेशन नहीं होगी कि यही कर सकते हैं कि आपके टीचर ने यही पढ़ाए, ऐसा अपने यहाँ पे नहीं होगा। प्रॉपर आपके टेस्ट पेपर होंगे, प्रॉपर आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, और असाइनमेंट भी बहुत ही शानदार लेवल से आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आप लोग जिस भी मोड में ज्वाइन करना चाहे, ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहे तो ऑफलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दिसंबर के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी कंप्लीट हो गए हैं, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, कुछ के सेमेस्टर चल रहे थे, कुछ के यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे थे, और हमारे राजस्थान के बच्चों की बात करें तो अभी 10 से 5 दिन पहले ही फ्री हुए हैं। तो अब आपको डिले नहीं करना चाहिए, टाइम है, साथ के साथ आपकी, जैसे प्रीवियस के स्टूडेंट की बात करूं, एग्जाम कंप्लीट हो गए, अब बिना सोचे समझे सीधा सीएसआर नेट का बैच ज्वाइन कर लेना है, टाइम 1% भी वेस्ट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए थे, क्या सर एमएससी फाइनल के साथ साथ नेट की प्रिपरेशन हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़िए, टाइम है आप लोगों के पास, आप एमएससी फाइनल को भी पढ़िए आराम से, आप एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट है तो प्रीवियस को भी पढ़िए, और सीएसआर नेट की भी प्रिपरेशन कीजिए। मतलब पूरा माहौल फिजिक्स का बना रहना चाहिए, तब जाके सब्जेक्ट अपना स्ट्रोंग होगा, ठीक है। और अपना जो टारगेट रहेगा कि जो सिलेबस है, जो सिलेबस कंप्लीट होगा, तो अपना टारगेट रहेगा कि अपन 20 नवंबर तक कंप्लीट सिलेबस करा दें, ठीक है। तो आपके 2 पेपर स्टार्ट होंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आस्ते, ठीक है। तो अब आप क्लास लेंगे, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर फीस की, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो फीस की भी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, ऑनलाइन की क्या फीस है और ऑफलाइन की क्या फीस है, बता देते हैं। जो ऑनलाइन की फीस है ये 15,000 रुपीज है, ठीक है। जो ऑफलाइन की फीस है वो 23,000 रुपीज, ठीक है। आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से, और आप परचेज करने से पहले एक बार मेरे से जरूर बात कर ले, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं इन पे आप चैट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है क्लासेस में रहे तो बहुत सी बार जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। तो व्हाट्सएप जो नंबर है 9079671411, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट पे आके भी मीटिंग कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई सलाह लेनी आपको, तो यहाँ पे श्याम शर्मा सर भी हैं, के शर्मा सर भी हैं, डॉक्टर लोकेश कुमार जांगीर सर भी हैं, और मैं भी हूँ, हम चारों आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, कि सीएसआईआर नेट के बैचेज चालू हो गए हैं, तो अब डिले ना करें, ठीक है। तो अब अपन क्लास लेंगे, ठीक है, राधे राधे भाई, ठीक है। और जो YouTube पे अभी इसको देखेंगे, एक सेकेंड, जो YouTube पर इनको देखेंगे अभी, आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे सिस्टम की ओर से जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है।